हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में ग्रामर सेक्शन के वैकुलरी पार्ट के होमोफोन्स नामक पार्ट का अध्ययन करेंगे हम लोग। देखिए, होमोफोन्स का मतलब होता है समान ध्वनि वाले शब्द। ये सेक्शन बी में आपके पूछे जाएंगे, ग्रामर सेक्शन में। ये वैकुलरी के अंतर्गत आता है। होमोफोन्स का मतलब होता है समान ध्वनि वाले शब्द। देखिए इसकी परिभाषा भी लिखी है कि होमोफोन्स वे शब्द हैं जिनका उच्चारण समान होता है लेकिन उनके अर्थ तथा स्पेलिंग भिन्न होते हैं। इसका मतलब है कि समान साउंड वाले वर्ड होते हैं। जैसे देखिए, यहाँ फ्लावर है, फ्लावर है, दोनों की साउंड जो है मिल रही है, एक जैसी है, लेकिन इसकी स्पेलिंग में भी अंतर होता है और इसके अर्थ में भी अंतर होता है। देखिए यहाँ पर लिखा है फ्लावर, यहाँ पर फ्लावर मतलब फूल होता है, FLOWER, और यहाँ पर फ्लावर मतलब आटा होता है, FLOUR, आटा। तो अब इन दोनों की मीनिंग भिन्न है, इसको आपको जानना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, ताकि परीक्षा में आए तो आप इसको यूज कर सके। देखिए उसी तरह नीचे दिया होल और होल, दोनों सेम साउंड है, लेकिन होल का मतलब होता है गड्ढा या सुराख होता है और होल का मतलब संपूर्ण होता है। तो परीक्षा में आपको इस तरह दे देगा तो आपको सेंटेंस में यूज करना पड़ेगा। देखिए यहां पर अर्थ लिखा, अर्थ नहीं लिखना पड़ेगा आपको। देखिए जिससे यहां पर ये यूज किया सेंटेंस में, आपको यूज करना पड़ेगा। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए पहला ही है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में होता है स्वीकार करना और एक्सेप्ट में होता है सिवाय। अब दोनों का साउंड मिल रहा है तो आपको परीक्षा में ऐसे इसका अर्थ नहीं लिखना पड़ेगा। ये तो आपको समझने के लिए दिया गया है, आपको ये सेंटेंस जो इधर दिया गया है सेंटेंस में यूज करना पड़ेगा। तो आप जब इसके अर्थ को जानेंगे तभी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। इसी तरह ऐसे ही सेंटेंस में नहीं यूज करना है कि किसी भी सेंटेंस में यूज कर देंगे, उसका अर्थ निकलना चाहिए। दोनों का जो मीनिंग की डिफरेंस है वो एक्सप्रेस होनी चाहिए, व्यक्त होनी चाहिए। तो आइए देखिए, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना होता है। देखिए इसका सेंटेंस में यूज किया है कि ही एक्सेप्टेड माई प्रेजेंट्स, ही एक्सेप्टेड माई प्रेजेंट्स, उसने मेरे उपहारों को स्वीकार कर लिया। इस तरह आप सेंटेंस में यूज करेंगे ताकि उसका अर्थ क्लियर हो जाए। और नीचे दिया है एक्सेप्ट में सिवाय होता है। तो देखिए इसका सेंटेंस में यूज किया कि एवरी स्टूडेंट, करे प्रत्येक छात्र एक्सेप्ट सुरेश, सिवाय सुरेश के पास द एग्जामिनेशन, परीक्षा पास कर गया। प्रत्येक छात्र सिवाय सुरेश की परीक्षा पास कर गया। अब देखिए इस तरह यूज कर देंगे तो दोनों की मीनिंग का डिफरेंस जो है स्पष्ट हो जाएगा। देखिए नीचे है एसेस, एसेस में पहुंच होता है और एक्सेस का मतलब होता है अति या अधिकता। एसेस का मतलब पहुंच और एक्सेस मतलब अति या अधिकता। तो आइए इसका सेंटेंस में यूज देखते हैं। देखिए लिखा कि ही हैज एन एसेस टू द डीएम, ही हैज एन एसेस टू द डीएम, उसकी डीएम तक पहुंच है, उसकी डीएम तक पहुंच है। और एक्सेस का, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, करे कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, हर चीज की अधिकता इज बैड, बुरी होती है। मतलब प्रत्येक चीज की अधिकता, मतलब कोई कोई भी काम हो आवश्यकता से अधिक करना जो है वह खराब होता है। देखिए क्वेश्चन में थर्ड है अफेक्ट, प्रभाव डालना, और इफेक्ट में प्रभाव। देखिए अफेक्ट मतलब प्रभाव डालना, वर्ब का काम कर रहा है, इफेक्ट मीन्स प्रभाव, ये नाउन का कार्य कर रहा है। देखिए इसका सेंटेंस में यूज किया है द, करें कि द हैवी रेन्स, भारी वर्षा विल अफेक्ट द क्रॉप, फसल को, फसल पर प्रभाव डालेगी। करें कि भारी वर्षा फसल पर प्रभाव डालेगी, क्रॉप मीन्स फसल होता है। आइए इफेक्ट का देखते हैं। करें कि नो एडवाइस प्रोड्यूसेस एनी इफेक्ट ऑन हिम, करें कि नो एडवाइस प्रोड्यूसेस एनी इफेक्ट ऑन हिम, इफेक्ट ने प्रभाव, कराया कि कोई भी सलाह उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डालता। कराया कि सलाह जो है उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डालता, मतलब सलाह का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये अगला है एसिड और एक्सीड, एसिड में स्वीकार करना और एक्सीड का मतलब होता है अधिक होना। एसिड का मतलब स्वीकार करना और एक्सीड का मतलब अधिक होना। देखिए इसका सेंटेंस में यूज है ही एसिडेड टू माई रिक्वेस्ट, उसने ही एसिड, उसने स्वीकार कर लिया टू माई रिक्वेस्ट, मेरी प्रार्थना को, उसने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। जबकि एक्सीड का यूज है योर एसे शुड नॉट एक्सीड 2250 वर्ड्स, कह रहा है कि योर एसे, तुम्हारा निबंध शुड नॉट एक्सीड 250 वर्ड्स, 250 वर्ड से अधिक नहीं होना चाहिए। तुम्हारा निबंध जो है 250 वर्ड से अधिक नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं फाइव। देखिए एडॉप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना, एडेप्ट का मतलब होता है चतुर, और एडॉप्ट मतलब होता है ग्रहण करना।
या अपनाना। देखिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है मिनी में। यहां ए लिखा है, यहीं यहां पर ई है और यहां पर ओ है। देखिए पहले का यूज है एडॉप्ट का, अनुकूल बनाना का। करा वी शुड एडॉप्ट आवर सेल्फ, हमें स्वयं को अनुकूल बनाना चाहिए टू द चेंजिंग कंडीशन, बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार। वी शुड एडॉप्ट आवर सेल्फ, हमें स्वयं को अनुकूल बनाना चाहिए टू द चेंजिंग कंडीशन, बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार। अर्थात बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार हमें अपने आप को अनुकूल बनाना चाहिए, उसके अनुसार ढालना चाहिए। देखिए एडेप्ट, एडेप्ट मतलब होता है चतुर। देखिए सी इज एडेप्ट इन ड्रॉइंग, कह रहा है वह ड्राइंग में चतुर है। ड्राइंग मतलब चित्रकारी करना, चतुर है मतलब कि वह उसमें एक्सपर्ट है, इसका कहने ये मतलब है। और ये एडॉप्ट मींस होता है ग्रहण करना या अपनाना। देखिए ही हैज एडॉप्टेड सन, उसने एक पुत्र को ग्रहण किया है या गोद लिया है, ऐसे भी कह सकते हैं। या उसने एक पुत्र को अपनाया है, मतलब एक लड़के को पुत्र के रूप में ग्रहण किया है, अपनाया है, गोद लिया है। देखिए इसका दूसरा यूज भी है इस तरह कि नाउ फार्मर्स हैव एडॉप्टेड साइंटिफिक मेथड ऑफ फार्मिंग, कह रहा है कि नाउ अब जो है फार्मर्स, किसानों ने हैव एडॉप्टेड अपना लिया है साइंटिफिक मेथड ऑफ फार्मिंग, खेती की वैज्ञानिक पद्धति को। अब किसानों ने खेती के वैज्ञानिक पद्धति को अपना लिया है। फार्मिंग का मतलब खेती करना होता है या कृषि करना होता है। देखिए यहां पर 6 नंबर है एल्यूजन और एल्यूजन, एल्यूजन और एल्यूजन दोनों में अंतर है। देखिए यहां पर ए सुर लगा है, यहां पर आई लगा है। तो एलिजन का मतलब होता है अप्रत्यक्ष उल्लेख या संकेत, अप्रत्यक्ष उल्लेख या संकेत। और एलिजन का मतलब होता है माया, भ्रम, इंद्रजाल, ये सब होता है। तो एलिजन का आई यूज देखते हैं। देखिए इसमें कि देर आर मैनी एलिजन्स इन द प्लेस ऑफ शेक्सपियर, करा कि शेक्सपियर के नाटक में बहुत सारे एलिजन्स हैं, अर्थात अप्रत्यक्ष उल्लेख हैं या अप्रत्यक्ष संकेत हैं। शेक्सपियर के नाटक में बहुत सारे अप्रत्यक्ष उल्लेख हैं या अप्रत्यक्ष संकेत हैं। आइए एलिजन का देखते हैं। एलिजन मतलब होता है माया, भ्रम या इंद्रजाल। देखिए मैनी पीपुल थिंक, बहुत सारे लोग सोचते हैं दैट कि लाइफ इज एन एलिजन, कि जीवन क्या है, एक भ्रम है, एक इंद्रजाल है या एक माया है। मैनी पीपुल थिंक, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लाइफ इज एन एलिजन, जीवन एक भ्रम है। आइए अगला देखते हैं अल्टर और अल्टर। देखिए अल्टर और अल्टर, पहले अल्टर का मतलब है वेदी, बलिवेदी होता है जिस पर बलि दी जाती है। और अल्टर का मतलब बदलना, परिवर्तित करना, बदलना, चेंज करना। तो देखिए अल्टर का यूज क्या है, देखिए लिखा है कि भगत सिंह सेक्रीफाइस इज लाइफ, भगत सिंह ने सेक्रीफाइस इज लाइफ, अपने जीवन का बलिदान कर दिया एट द अल्टर ऑफ मदरलैंड, मातृभूमि की बलिवेदी पर। मदरलैंड मीन्स मातृभूमि। भगत सिंह ने मातृभूमि की बलिवेदी पर अपने आप को बलिदान कर दिया। देखिए इस अल्टर का यूज देखते हैं। यू शुड अल्टर योर वे ऑफ स्पीकिंग, कह रहा है कि यू शुड अल्टर, आपको बदलना चाहिए योर वे ऑफ स्पीकिंग, अपना बोलने का तरीका, आपको अपना बोलने का तरीका बदलना चाहिए, परिवर्तित करना चाहिए। देखिए ये 8 नंबर है एसेंट में, सुता चढ़ाई और ऐसे में स्वीकृति। देखिए ASCENT, एसेंट में चढ़ाई और स्वीकृति का क्या होता है ASENT, स्पेलिंग भी याद करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि स्पेलिंग याद नहीं करनी पड़ेगी आपकी परीक्षा में तो देगा ही, आपको केवल यूज करना पड़ेगा। तो आप केवल इसके यूज को देखिए। देखिए द एसेंट टू द हिमालयाज इज डिफिकल्ट टास्क, एसेंट में होता है चढ़ाई। द एसेंट टू द हिमालयाज, हिमालय की चढ़ाई इज अ डिफिकल्ट टास्क, एक कठिन कार्य है। हिमालय, हिमालय पर चढ़ाई एक कठिन कार्य है। जबकि इस एसेंट का मतलब होता है स्वीकृति। देखिए इसका यूज किया है कि ही हैज गिवेन हिज एसेंट टू द प्रपोजल, कि ही हैज गिवेन हिज एसेंट, उसने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है टू द प्रपोजल, प्रस्ताव को, मतलब उसने प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है, अर्थात उसने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। देखिए यहां पर है ऑल टुगेदर का मतलब होता है एक साथ, और यहां की ऑल टुगेदर इसका मतलब है पूरी तरीके, पूरी तरह से। अब देखिए यहां पर ALL लिखा है, जबकि यहां पर ए के बाद केवल सिंगल एल है। दोनों में ही डिफरेंस है, ऑल टुगेदर और ऑल टुगेदर। ऊपर का मतलब होता है एक साथ, और इस ऑल टुगेदर मतलब होता है पूरी तरह से। देखिए इसका सेंटेंस में कैसे यूज किया है, कह रहा है कि दे अटेंडेड द मीटिंग ऑल टुगेदर, उन्होंने अटेंडेड द मीटिंग, वे उन्होंने मीटिंग को अटेंड किया ऑल टुगेदर, एक साथ, मतलब वह जो है मीटिंग में एक साथ सम्मिलित हुई। अटेंड मतलब सम्मिलित होना, वह मीटिंग में एक साथ सम्मिलित हुई। और इस ऑल टुगेदर मतलब होता है पूरी तरह से। जैसे ही इज ऑल टुगेदर एट फॉल्ट,
कहा कि वह जो है ऑल टूगेदर पूरी तरह से एट फॉल्ट, गलती पर है, मतलब वह पूरी तरह से गलती पर है या वह पूरी तरह से गलत है। देखिए आर्टिस्ट का मतलब होता है ललित कलाओं में निपुण कलाकार, ललित कलाओं में निपुण कलाकार। और इस नीचे आर्टिस्ट का मतलब, इसमें देखिए ई लगा हुआ है, इसमें ई नहीं है और इसमें ई लगा हुआ है, यह डिफरेंस है। और इस आर्टिस्ट मतलब होता है प्रोफेशनल सिंगर, एक्टर या डांसर, पेशेवर कलाकार, पेशेवर कलाकार, चाहे वो सिंगर हो, गीत गाने वाले हो, एक्टर हो, अभिनेता हो, या डांसर या नृत्य करने वाले हो, उनको आर्टिस्ट बोला जाता है। और ऊपर वाले का आर्टिस्ट मतलब क्या, ललित कलाओं में निपुण कलाकार। तो आइए पहले का यूज देखते हैं। देखिए पेंटर्स, पोएट एंड म्यूजिशियन आर आर्टिस्ट, कह रहा है कि जो पेंटर होते हैं, पोएट कवि होते हैं, म्यूजिशियन और संगीतज्ञ होते हैं, और आर्टिस्ट वे आर्टिस्ट होते हैं अर्थात कलाकार होते हैं। कलाकार मतलब ललित कलाओं में निपुण व्यक्ति होते हैं। और इस आर्टिस्ट का मतलब होता है प्रोफेशनल। देखिए द ड्रामेटिक कंपनी, कह रहा है कि जो ड्रामेटिक कंपनी है, जो मतलब ड्रामेटिक मतलब ड्रामा को प्ले करने वाली, ड्रामा का मंचन, नाटक का मंचन करने वाली जो कंपनी है, हैड नंबर ऑफ आर्टिस्ट, इसके पास कई सारे कलाकार हैं। कला का मतलब पेशेवर कलाकार हैं जो पैसे के लिए काम करते हैं। देखिए 11th नंबर है कि बर्थ, और बर्थ लिखा है, देखिए यहाँ BERTH और यहाँ है BIRTH, दोनों में क्या अंतर है। बर्थ का मतलब होता है रेलगाड़ी या जहाज में सोने का स्थान, जैसे हम लोग जाते हैं ना, कहते हैं कि हमको ये ट्रेन में जो है ये फर्स्ट क्लास का अपर बर्थ मिली है, लोअर बर्थ मिली है, तो रेलगाड़ी या जहाज में सोने का जो स्थान होता है, जो सीट को बोलते हैं बर्थ। और इस बर्थ का मतलब जन्म, ये तो जानते हैं आप लोग। देखिए ये इसका यूज किया है कि ही रिजर्व फर्स्ट क्लास बर्थ इन द पंजाब मेल, करें कि ही रिजर्व, उसने रिजर्व कर लिया है या आरक्षित कर लिया है फर्स्ट क्लास बर्थ, एक प्रथम श्रेणी का बर्थ इन द पंजाब मेल, पंजाब मेल में, उसने पंजाब मेल में एक फर्स्ट क्लास का बर्थ जो है आरक्षित कर लिया है। और इस बर्थ का मतलब जन्म होता है, इसका तो यूज आप जानते ही हैं। व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। देखिए 12th नंबर है बेल, और बेल BALE है और ये है BAIL, दोनों की स्पेलिंग में ये डिफरेंस है। ऊपर वाले BALE गांठ का, इसका मतलब होता है गांठ, जैसे कि ही रिसीव टू बेल्स ऑफ कॉटन, उसने जो है कॉटन, कॉटन के दो दो बेल प्राप्त किए। ये बेल का मतलब गांठ, गट्ठर, जो कॉटन वॉटन होता है वो उसकी काउंटिंग गांठ गांठ में गिनी जाती है। कुछ होते हैं कि नंबर में, कुछ की संख्या में गिने जाते हैं, कुछ जैसे खाद्यान्न उद्यान है तो उसको मापा तोला जाता है, इतना केजी है तो। और ये जो कॉटन वॉटन होता है उसकी इसकी मेजरमेंट जो है गांठ में होती है। देखिए ही रिसीव टू बेल्स ऑफ कॉटन, उसने कॉटन की दो बेल प्राप्त की या दो गांठें प्राप्त की। और इस बेल का मतलब होता है जमानत, जमानत का मतलब होता है जो व्यक्ति पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है, कोर्ट द्वारा उसको जमानत दी जाती है। देखिए ही वॉज रिलीज ऑन बेल, कह रहा है कि वह जो है ही वॉज रिलीज ऑन बेल, वह जमानत पर छूट गया। आइए नीचे देखते हैं। देखिए कैनवास और कैनवास, कि इसका अर्थ है CANVAS, कैनवास मतलब किरमिच, एक प्रकार का मोटा कपड़ा। और इस कैनवास का मतलब होता है वोट मांगना, कन्वेसिंग करना। देखिए इसका यूज है कि दीज शूज आर मेड ऑफ कैनवास, यह जूता जो है कैनवास का बना हुआ है, कैनवास मतलब एक प्रकार के मोटे कपड़े का या किरमिच का बना हुआ है। और इस कैनवास का मतलब होता है वोट मांगना अर्थात ही इज कन्वेसिंग फॉर द कांग्रेस कैंडिडेट, वह जो है वोट मांग रहा है फॉर द कांग्रेस कैंडिडेट, मतलब कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए, वह कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए वोट मांग रहा है। 14वां देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछता भी है। कंप्लीमेंट और कंप्लीमेंट, COMPLEMENT, और इसमें COMPLIMENT, देखिए इसमें ई और आई का डिफरेंस है। ऊपर वाले का अर्थ होता है पूरक, पूरक जो किसी का में किसी चीज में जुड़ करके उसके उसको पूरा करता है। और सेंटेंस में अधिकांशता जो है कंप्लीमेंट पाए जाते हैं, जो वाक्य के अर्थ लास्ट में जुड़ करके उसके अर्थ को पूरकता प्रदान करते हैं। देखिए दिस वर्ब मस्ट टेक ए कंप्लीमेंट आफ्टर इट, कह रहा है कि यह वर्ब, यह क्रिया जो है मस्ट टेक अ कंप्लीमेंट आफ्टर इट, कह रहा है कि अपने बाद एक कंप्लीमेंट लेती है, मतलब अपने बाद एक पूरक लेती है, अर्थात उसके अर्थ को पूरा करने के लिए कंप्लीमेंट की आवश्यकता होती है। और इस कंप्लीमेंट का मतलब होता है सम्मान, इसका मतलब होता है सम्मान, जैसे पे माई बेस्ट कंप्लीमेंट टू योर फादर, मतलब अपने पिता को मेरा सम्मान बोलना, इसका कहने मतलब है कि मेरी तरफ से अपने पिता को सम्मान बोलना या सम्मान देना कि मैं जो है उनका सम्मान कर रहा हूं। 15 नंबर है कि कॉप्स और कॉप्स, दोनों में देखिए COPS और इसका मतलब COPS, इसमें ई लगा हुआ है और इसमें ई नहीं लगा हुआ है। तो ऊपर वाले कॉप, कॉप का मतलब होता है सेना की
सेना कोर होता है, मतलब सेना की टुकड़ी, पार्ट ऑफ एन आर्मी होता है, सेना की टुकड़ी। और जबकि इस कॉस का मतलब क्या होता है, मानव सौ मतलब लाश, मानव सौ मतलब लाश। देखिए ऊपर वाले कॉप्स का यूज है, ही हैज ज्वाइंट द नेशनल कैडेट कॉप्स, उसने जो है ही हैज ज्वाइंट द नेशनल कैडेट का, उसने नेशनल कैडेट कॉप्स को ज्वाइन किया है, जैसे एनसीसी होता है ना, एनसीसी नेशनल कैडेट कॉप, उसने एनसीसी को ज्वाइन किया है। अब नीचे है कॉप्स का मतलब मानव सौ, जैसे द कॉप्स वॉज बर्न्ट, लाश को जलाया गया, लाश को जलाया गया। तो फ्रेंड इसमें जो है 15 नंबर तक मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, और सेज जो है इसी तरह मैं एक एक करके वीडियो आपको लाता रहूंगा, परीक्षा तक आप लोगों को काफी मेटेरियल मैं प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप पढ़ते रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और जल्द ही मैं जो है सॉल्व मॉडल पेपर अपलोड करूंगा, आप उसको देखते रहिएगा, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार और कैसे परीक्षा में लिखना है, और परीक्षा के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।